अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे। आज मैं बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी बनाने वाली हूँ, कद्दू की सब्ज़ी, जो कि एक आम सी सब्ज़ी और बहुत अच्छी सब्ज़ी है, बहुत मज़े की सब्ज़ी बनती है, हर घर में बनती होगी। इसके लिए मैंने प्याज, एक प्याज मैंने लिया है और उसको कद्दूकश करके रख लिया, और साथ में थोड़ी सी अदरक और लहसुन को भी कद्दूकश कर लिया है। अब मैं प्याज को ऑयल में हल्का सा फ्राई करूंगी और साथ ही मैंने नमक ऐड कर दिया है। इसको लाइट गोल्डन कलर आने तक इसको मैं अच्छे से भूनूंगी ताकि इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए। और ये एक मीडियम साइज़ का प्याज है। मैंने टमाटर भी डाल के अच्छे से भून लिया था। मसाला बहुत अच्छा सा बन चुका है। मैं इसमें रेड चिल्ली पाउडर डालूंगी हाफ स्पून और थोड़ी सी हल्दी डाल के, तो इसको मैं मज़ीद अच्छे से भूनूंगी ताकि मसाला, टमाटर कद्दूकस करके डालें तो उसके साथ बहुत जल्दी और अच्छा सा मसाला बनता है, जल्दी जल्दी बन जाता है। वैसे तो टमाटर सॉफ्ट होने में टाइम लगता है, तो मैं ज़्यादातर ऐसे करके डालती हूँ और इससे बहुत अच्छा और जल्दी से मसाला भून जाता है और बहुत अच्छा बनता है और ज़्यादा ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और बहुत अच्छा मसाला बनता है। क्योंकि मेरे बच्चे भी हांडी में टमाटर के जो छिलके रहते हैं वो पसंद नहीं करते, इसलिए मैं ऐसे ही डालती हूँ। और आपने सब्ज मिर्चें भी ऐड करी हैं, दो मोटे मोटे काट के, क्योंकि मैं ज़्यादा बारीक काट कर नहीं डालती, उससे हांडी में मिर्च बहुत तेज़ हो जाती है। और इस तरह अगर किसी को मिर्च अच्छी नहीं लगती तो वो पकड़ के वो साइड पे रख कर रख देते हैं। अमूमन बच्चे ऐसे काम करते हैं। और मैं इसमें थोड़ा सा ज़ीरा डाल रही हूँ, ज़ीरा डाल के मैं अब मसाले को अच्छे से और भूनूंगी। मसाला बहुत अच्छे से बन चुका है। मैं इसमें कद्दू डालूंगी, ये 1 kg कद्दू है और इसको मैंने ऐसे धो के काट करके रख लिया है। अब मैं इसको अपने मसाले में डालूंगी और सब्ज़ी को बहुत अच्छे से भून लेंगे। अब मैं इसको कद्दू को डाल रही हूँ हांडी में और मैं इसको अच्छे से भूनूंगी ताकि ये बहुत अच्छे से, जब अपना पानी इसका ड्राई हो, सब्ज़ी का पानी ड्राई हो जाएगा तो खुश्क हो जाएगा, तो फिर मैं इसको दम पर लगा दूँगी। अब इसको मैं बहुत अच्छी तरह भूनती हूँ। अपने बर्तन भी धो लूँगी और साथ हांडे धो लूँगी साथ साथ, क्योंकि वो तो एक हांडी यहाँ से पक रही है, तो साथ साथ क्यों ना मैं कोई और काम कर लूँ। मैं ऐसे करती हूँ हांडी को, जब मैं बोलती हूँ तो साथ साथ कोई ना कोई काम कर लेती हूँ ताकि मैं जल्दी से फारक हो सकूँ और मेरा जल्दी जल्दी किचन का सारा काम ख़त्म हो जाए। हांडी भी मेरी अच्छी है से हो गई है, उसने ऑयल अपना छोड़ दिया है और मैं साथ ही आटा गूंद के रख लूँगी
और आटा मैंने गूंदने लगी हूँ, और हांडी को मैंने दम पे रख दिया है, तो मैं क्यों ना साथ में आटा गूंद लूँ। ये मैंने आटा गूंद के रख लिया है, तो अब मैं इसके ऊपर ढक्कन लगा के इसको रख रही हूँ, ताकि जब मैं एक दफ़ा ही डेली का डेली आटा गूंद लेती हूँ, क्योंकि बार बार गूंदने नहीं होता, तो मैंने दो टाइम का इकट्ठा ही गूंद के रखना होता है। तो देखें हांडी ने कितनी अच्छी तरह ऑयल छोड़ दिया है। लेकिन अभी इसे थोड़ा सा मज़ीद पकाऊंगी, और मैंने धनिया काट के रख लिया है, और 20 से 25 मिनट के बाद बहुत अच्छी तरह से ये पक चुकी है। और मैंने इसमें बिल्कुल भी कोई पानी एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया था, ये सब्ज़ी बिल्कुल अपने पानी में पकी है और बहुत अच्छी तरह गल चुकी है। मैं ज़्यादातर सब्ज़ी में एक्स्ट्रा पानी नहीं डालती, उसको उनके पानी में पकाती हूँ, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब मैंने धनिया डाल दिया, और साथ में मैं 1/2 स्पून इसमें गर्म मसाला डाल के इसको मज़ीद 5 मिनट के लिए दम पे रखूँगी। इसको मैं डाल के अच्छे से मिक्स करके इसको 5 मिनट के लिए मज़ीद दम पे रखूँगी, ताकि ये धनिया भी अच्छे से पक जाए और गर्म मसाले का टेस्ट सब्ज़ी में बहुत अच्छा आ जाए। अब मैं अपना डिनर करने लगी हूँ। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, दुआओं में याद रखिएगा, और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगी, खुश रहें, आबाद रहें, ओके, अल्लाह हाफिज़।